Hello and welcome to yet another episode of Parliamentary Debates. I'm Smriti Rastogi. Today is the second of the three-part series on the Indian Institute of Management Bill 2017. The bill that was passed by the Rajya Sabha during the recently concluded winter session extends greater autonomy to IIMs by restricting their government's role in their functioning and granting them part award decrees to their graduates. The bill will benefit students who intend to pursue research and development in the field of management abroad. They were unable to enroll for PhD courses in international institutions since a degree was necessary. We bring you the remaining part of the debate on the bill. Sri Naresh Agarwal ji, the bill ki aapne बताया, मैं इसका समर्थन इस मारे कर रहा हूँ कि कम से कम आप हायर एजुकेशन या एजुकेशन सेक्टर में कुछ बदलाव की भावना को लेकर चलें। माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हैं आईआईएम को ऑटोनोमस कर रहे हैं, चलो अच्छा है, आईआईटी को क्यों नहीं ऑटोनोमस कर रहे हैं, यूजीसी को क्यों नहीं कर रहे हैं, आईसीटी को क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप हायर एजुकेशन में एक रिफॉर्म चाहते हैं, आप चाहते हैं हायर एजुकेशन इस देश में बढ़े, पूरे वर्ल्ड में नाम हो, तो आप खाली एक आईआईएम को क्यों इतना अधिक प्रेफरेंस? एक जमाने में तो हिंदुस्तान में आईआईटी जानी जाती थी, हमारी यूपी में भी आईआईटी कानपुर बहुत प्रसिद्ध थी, बनारस की, अलीगढ़ की, दिल्ली की आईआईटी। लेकिन आज आप आईआईटी को छोड़ के आईएम पे चले गए, शुरुआत तो करें तो 5 साल होने जा रहे हैं शुरुआत में, 3.5 साल में अगर आप शुरुआत करेंगे तो अंत कितने साल में होगा? आज आपको मालूम है यूजीसी में एक पैसा नहीं है, यूजीसी के सब अधिकारी खाली बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम दें किसको ग्रांट? बिना यूजीसी के ग्रांट के आपकी क्या यूनिवर्सिटी चल पाएंगी, क्या हायर एजुकेशन आपकी चल पाएगी? एआईसीटी का अभी पूरा बोर्ड नहीं बना, आप एआईसीटी का बोर्ड ही पूरा बना दीजिए और उसको ऑटोनोमस अधिकार दीजिए। कम से कम आज जो इंजीनियरिंग की पोजीशन है हिंदुस्तान में, 50% इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े हुए, क्योंकि इंजीनियरिंग का स्तर इतना गिर गया, पीजीडीवीएम का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया कि उसमें पढ़े बच्चे टोल टैक्स की टोल वसूली में एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये एजुकेशन का स्तर हमें क्यों होने दीजिए? आखिर शिक्षा का स्तर जब बढ़ाना तो शिक्षा का स्तर बढ़ाइए। आपने आईएम में 1 लाख की फीस बढ़ा दी, गांव का बच्चा पढ़ पाएगा? माननीय मंत्री जी, हमारे कंट्री में आज भी हायर एजुकेशन तो इंग्लिश में है, लेकिन आप बताइए जो गाँव से बच्चा इंटर पास करके आया है, आप उससे उम्मीद करिए कि वो आपकी आईआईएम, आईआईटी, हायर एजुकेशन में इंग्लिश समझ लेगा? शिवन बंगाल या उत्तर प्रदेश या बिहार का गांव का निकला बच्चा, आप उससे एक्सपेक्ट करिए कि आईआईएम में भर्ती हो जाए, आईआईटी में भर्ती हो जाए, क्या संभव है? तो जिस देश में 70% आबादी गांव में रहती हो, जिस देश की कुल आबादी का 3% लोग अंग्रेजी समझते हो, उस देश में आज तक आप एजुकेशन की भाषा नहीं तय कर पाए तो आप काहे की एजुकेशन दें? आप इतने बता दीजिए, आप तमाम सब्सिडी देते हैं अच्छे एजुकेशंस को, उनके पढ़े बच्चे कितने हिंदुस्तान में रुक रहे हैं? 50% से ऊपर आईआईटी से पास करके बच्चे विदेश में चले जाते हैं। जमुना लाल जी का नाम ले रहे थे सहित्र बुद्धे जी, जमुना लाल बजाज कॉलेज में पढ़े लोग अच्छी एजुकेशन लेकर निकलते हैं, पूना, बॉम्बे, तमाम प्राइवेट ऐसे कॉलेज हैं जिनका नाम टॉप 10 में है, उनके बच्चे निकल रहे हैं। आप बता दीजिए वर्ल्ड में हमारे कंट्री की क्या पोजीशन है, हमारे कितने कॉलेज विश्व के 100 यूनिवर्सिटी में आते होंगे, 100 अच्छे कॉलेज में कितने हिंदुस्तान के कॉलेज आते हैं? आप नहीं बता पाए क्योंकि है ही नहीं हम कहीं पर से। माननीय मंत्री जी, अब इसमें आपने कहा कि आईएम के हेड को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर आप नॉमिनेट कर देंगे, एमसीआई को खत्म करके मेडिकल एजुकेशन बोर्ड जो आप बनाने जा रहे हैं, जिस बिल को ला रहे हैं, आप कहते हैं 21 लोग हम नॉमिनेट कर देंगे और विशेषज्ञ होंगे, ये होंगे, यहाँ भी 11-12 लोग नॉमिनेट होते हैं कि इस क्षेत्र के आएंगे, इस क्षेत्र के आएंगे, क्या उस क्षेत्र के सब आते हैं?
मानवर जिस कंट्री में टोटल जीडीपी का 1% सिर्फ एजुकेशन में खर्च होता हो, उस कंट्री की आप एजुकेशन की स्थिति क्या समझेंगे? विश्व में गरीब से गरीब देश अपने कंट्री की एजुकेशन पे अपने जीडीपी का 3-4% मिनिमम खर्च करता। आप अगर शिक्षा में सुधार कर रहे हैं तो एकता लाइए। पूरे देश का जो बच्चा डॉक्टर बने वो एक ही एजुकेशन लेकर पढ़े, पूरे देश का बच्चा जो हायर एजुकेशन में जाए, मैनेजमेंट में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, तो एक एजुकेशन कंट्री में। अगर कंट्री एक है तो एजुकेशन क्यों नहीं एक होगी? माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड सबने अपना नाम बनाए रखा है तो हिंदुस्तान का एजुकेशन के नाम बढ़ा रखिए, एक रूपता लाइए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, पढ़ के बच्चा निकले, और एक गारंटी दे दीजिए कि पढ़ने के बाद उसको हिंदुस्तान में नौकरी मिलेगी, और कम से कम 5 साल का प्रतिबंध कर दीजिए कि हम इतना पैसा कर रहे हैं तो 5 साल तो इस देश की सेवा कर ले, और उससे उन बूढ़े माँ बाप को भी राहत मिल जाएगी जिनका इकलौता बच्चा होता पढ़ के विदेश जाता, विदेशी मेम ले लेता है और उसके बाद लौट के बाप की सेवा नहीं करने आता और वर्ल्ड ओज एम में जा रहे हैं, इस पर भी रोक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एन गोकुला कृष्णन। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, आई एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू यू for allowing me to speak about the important bill, Indian Institute of Management bill. The bill declares 20 existing Indian institutes of management as institutions of nation's importance and confers on them the power to grant degrees. We need to increase the number of IIMs in the country. Why I am telling this? We have 29 states and 7 union territories, but we have only 20 IIMs. At least for each state, one means we need at least double the institutions like this. And more important is the Puducherry and Chennai are the very important educational hubs in South India. We need at least for Chennai and Puducherry, one institution or one IIM institution like this. The bill provides for the establishment of the Board of Governors of each IIM, comprising up to 19 members. It will nominate 17 board members, including eminent persons, faculty members, and alumni. The remaining 2 members will be nominees from the central and state governments. And similarly, the board appoints its own chairperson also. Actually, the Board of Governors will appoint the directors of each IIM. Sir, at present, 13 of the 20 Indian institutes of management were functioning without directors. Virtually speaking, these institutes have no administrative heads. So there is an urgent need to fill up the post of directors in all these IIMs. Moreover, some important decisions have to be taken by the government to cater the increasing demands of quality education in the country. First thing is, there is a need to expedite the expansion process of IIMs and their intake capacity so that more students get opportunity to enroll themselves in the best institutes. Also, the creation of more quality of PhD programs to address the issue of shortage of faculties in institutes. Scholarship schemes for PhD program for best of PhD scholars in IIMs need to be created. An academic council of each IIM will determine the academic content, criteria and process for admission to the courses, and third, guidelines for conduct of examinations. A coordination forum will be set up which will include representation from the 20 IIMs. It will discuss matters of common interest to all IIMs. The bill extends greater autonomy to the board in the performance of these functions. Sir, it is also sad to note that several private business schools are charging huge fees and donations from students seeking admission to MBA or other PG management courses. This needs to be stopped immediately. Private business schools practices all kinds of advertisement gimmicks to
to entice students to join in their institutes. Various television networks, newspapers, and industry magazines published list of rankings of business schools in India. Some business schools manipulate the data related to campus placement provided to ranking providers. IIM Ahmedabad is the one initiated the Indian placement reporting standards to make placement reports transparent. Till the end of academic year 2014-15, only 9 institutes went for auditing the placement data with an independent third-party auditor. The media play a bad villain role by giving favorable ranking to some institutions that give advertisements and sponsorships to these media houses, both visual and printing media, and their events. Suggestions to curb these manipulations in business schools ranking included a stoppage of education-related advertisements, consolidating a large number of inferior quality surveys to few high quality surveys that include visits and audits of these institutions and the data they provide, and mandatory auditing of placements reports. All India Council for Technical Education, the regulatory body for technical education in India, has called upon the students, parents, and the general public not to pay any capitation fee or any other fee other than mentioned in the prospectus of the institutions for consideration of admission. AICT also programs such as PGDM has to be approved by the fee regulatory committee of the state, and the institute should mention the fee in its website. As per AICT norms, the business schools are not meant to charge a fee higher than what is mentioned in the prospectus. Many business schools provide only data related to the officially recognized fee for the ranking providers, while taking from students under various other parameters, including capitation fee. Many business schools do not list the fee in the prospectus. Please conclude. Therefore, an exclusive regulatory body of business schools in India should be created to monitor, check, and curb such malpractices during the admission of students of business schools. All right. Sir, with full autonomy and no state control, academic freedom would be seriously endangered. My submission before this House and to the concerned minister is to have a balance between institutional autonomy and academic freedom. See, we are thinking of using all domains of space technology in all aspects of agriculture. We can use experts sitting here and giving training to farmers or solving the farmers' problem through satellite communication. That will be a big achievement. In Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, it has been mandated that all the crop cutting data experiments should be collected using smartphones. So your time concept is gone, the delay is gone, and you are getting a digital data. You can do host of analysis on that. That's a big achievement. Watch Eureka with Dr. Shubhendu Shankar Ray, Director, Mahalanobis National Crop Center, New Delhi, only on Raj Sabha Television. Enter the majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan and you'll come across the Jaipur Column. A gift to the Viceroy from Sawai Madho Singh, the Maharaja of Jaipur, to commemorate the creation of the new capital. The 145-meter high column is crowned with 6 pointed crystal stars on a bronze lotus, and inside the stone shaft runs a steel tube which weighs a little more than 5 tons. The base of the column has text conceived by Lord Irwin and Sir Edwin Lutyens inscribed on it. Sri Muhammad Nadimul Haq.
Sir, respected Vice Chairman, sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, in a rapidly globalizing world, with technology taking center stage, the higher education sector for a country like India needs to push its youth population to not only change but rather reform the practices to become relevant in a global setting. Thus, the existing laws governing higher education in India needs to be reformed. Sir, the HRD Ministry has announced that it will scrap UGC, that is the University Grants Commission, and AICTE, that is the All India Council for Technical Education, and replace it with Higher Education Empowerment Regulation Agency, or HERA. However, private institutions must play a positive role in nation building through quality higher education backed with quality research. New HERA must therefore be sensitive to these aspects. Institutions like Harvard, Stanford, Oxford, MIT, etc., earned their status of world class not through government guidelines or regulations, but on their own remarkable and time-tested policies for quality enrichment. It is time for higher education in India to find its proper place at a global level. Sir, now coming to this bill specifically, I do have some concerns which I'd like to share with this House. Firstly, sir, I agree with the fact that IIMs have been given institutional autonomy in terms of funds, administration, and recruitment of staff. However, this bill does not talk about academic freedom. For example, most IIM administrators direct their faculty to publish in North American research journals, where publishing with Indian data is an overwhelming task. And this is done by the IIM's administrators for promotion. So is this academic freedom, I ask? The peril of IIM bill, which replaces government power with new internal powers, that is the institute board, is that at least the government power was accountable to the people vis-a-vis parliament, CAG, CBI, CBC, CIC, etc. However, the self-appointing board now is not accountable and the whole thing has become more opaque. Sir, with full autonomy and no state control, academic freedom would be seriously endangered. My submission before this House and to the concerned minister is to have a balance between institutional autonomy and academic freedom. Secondly, sir, in the most recent budget, the share of higher education was a meager 1.5%. So with this small amount, how will the government be able to maintain the quality of IIMs? Even though the expenditure of IITs and IIMs have increased, but the Standing Committee report in March 2017 states that these institutions have chronic shortage of funds that deter them from becoming world-class institutions. Sir, further, as per the 2017 Financial Times rankings too, only three IIMs feature in the list of top 100 management schools in the world. So if you are declaring IIMs institutions of national importance, the expenditure towards higher education must also increase. Thirdly, sir, the present government established a higher education financing agency, the HEFA. I am aware that 2,066 crores have been given to six institutes for research and development purposes, and in future I'm sure would be given to various other IIMs, NITs too. However, HEFA may not work practically. These institutes are given loan and not grants, and hence this institute have to pay from the internal resources. This in turn will make education and other expenses in these places more expensive, as authorities would now start exploring ways to increase internal revenues. IIT Madras has already hiked its fees. This may have a long-lasting impact on the admissions to these institutes of national importance. So I request the minister to consider the financing structure. Fourthly, sir, I
congratulate the minister for giving all 20 IIMs the right to award MBA degrees, which previously could offer only postgraduate diploma in management. While this bill grants autonomy to an institution of higher learning, we must caution the government to avoid constant interference in primary, secondary, and higher school education. They must not pollute by means of narrow ideological consideration and unnecessary interference in education, which is listed in the concurrent list. Sir, a small provision, but culturally an important provision through this bill, the government is yet again trying to build a personality cult to wipe out history and demolish tradition and diversity. The bill is trying to erode the value of IIM Calcutta as a term, because it should be IIMC. It is turning into IIM Kolkata, which is IIMK, sir, which will undermine the identity of IIM Kozhikode also, sir. I end, sir, by saying, sir, management education is important in a country, and I hope that the government takes this issue into consideration and see them as bolstering the potential of this institute. Thus, addressing these issues will drive our nation forward and give management leaders to India that it deserves. Thank you. Thank you, sir. Srimati Kaikasan Parveen ji. बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय कि आपने मुझे भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2017 में बोलने का मौका दिया. सबसे पहले मैं सरकार को माननीय मंत्री जी का को धन्यवाद देती हूं कि इस विधेयक के माध्यम से आईएम के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त होने जा रहा है. इस विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ भी हैं. आईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेगी. इन संस्था के प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा. संस्था के चेयरमैन और निदेशक का चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा. बोर्ड में विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों को अधिक से अधिक भागीदारी इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में से एक है. यह विधेयक स्वतंत्र एजेंसी से संस्थानों से प्रदर्शन की अधिक समीक्षा और उसके परिणाम पब्लिक डोमेन में जाने की व्यवस्था है. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी और सीएजी उनके खातों की ऑडिट करेगा. एक सलाहकार निकाय के रूप में आईएम के समन्वय फोरम का भी प्रावधान किया गया है. और सबसे बड़ी जो खास विशेषता ये है कि इस विधेयक में ये कहा गया कि बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रावधान किया गया है. मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि बोर्ड में जो महिलाएं होंगी वो कितने प्रतिशत महिलाओं को आप उसमें जगह देंगे. दूसरा, भारतीय प्रबंधन संस्थान प्रबंधन में सबसे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले देश के प्रमुख संस्थान है, जो प्रबंधन में शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में विश्व स्तरीय बेंचमार्क है. आईएम की पहचान विश्व स्तरीय प्रबंधन संस्थानों केंद्रों के रूप में रहे हैं और इन्हें देश की ख्याति दिलाई है. सभी आईएम सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत अलग अलग स्वतंत्र निकाय हैं. देश के 20 प्रबंधन संस्थान हैं, लेकिन अभी तक ये किसी केंद्र के तहत संचालित नहीं है. वह आईएम डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है. ये बिल के पारित होने के बाद इन संस्थानों की डिग्री देने का अधिकार मिल जाएगा. बिहार में वर्ष 2015 में मात्र एक आईएम बोधगया में चालू किया गया है. बोधगया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली रही है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर भी है. यहाँ पर आईएम की स्थापना का एक अपना महत्व है. प्रथम वर्ष में यहाँ 30 सीटें दी गईं, द्वितीय वर्ष में 60 सीटें दी गईं. यही ये संस्थान 118 एकड़ की भूमि पर बना हुआ काफ़ी अच्छा है. मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ भी अहमदाबाद और कोलकाता की तरह सीट का निर्धारण किया जाए. अभी उसमें फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर सिर्फ 3 विषयों के यानी चल रहा है. सभी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई वहाँ पर हो. और ये भी कहना चाहूँगी, जब सरकार पैसा खर्च करती है, संसाधन दे रही है, तो सीटों को भी बढ़ाने की ज़रूरत है. फैकल्टी की भी कमी को दूर करने की ज़रूरत है. आपका जो बिल है इसमें बताया गया है कि निदेशक जो संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा. मेरा अनुभव ये है कि व्यवसायिक कंपनियों में सीईओ हुआ करते हैं, लेकिन इस विधेयक में कहा गया है कि मुख्य नेतृत्व प्रदान करने वाले अधिकारी को सीईओ कहा जाएगा. इससे ये एहसास होता है कि शैक्षणिक संस्थान कोई व्यापारिक संस्थान बनाने जा रहा है क्या. इसके निदेशक को या निदेश इसके इसको निदेशक या कुलपति ही कहा जाए तो ये अच्छा रहेगा. मैं माननीय मंत्री जी से इस बिल का समर्थन करती हूँ. अपनी बातों को यहीं खत्म करती हूँ. धन्यवाद. Members agreed that including alumni in the Board of Governors will ensure tangible changes. Also, members underlined that it should be made compulsory for students studying in institutes run on government subsidy to work in India for a stipulated time.
In the next and final episode on the IIM bill, we will bring you the remaining part of the debate and the reply by HRD Minister. Till then, thank you for watching. The main part and soul of an educational institution is the student itself. But in this bill, the role of students are not properly considered. Sir, IIMS are the institutes where the art of management is taught. Let us start it from this institute itself, sir. Why don't we include student representatives as member of board of governors?